So hello some people, welcome back to my YouTube channel Online Hangover. क्या आपको भी अपने फोटोज पर ढेर सारे लाइक्स चाहिए? क्या आपको भी अपने फोटोज पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए? क्या आपको फेवरेट अपने मॉडल की तरह ही प्रोफेशनल फोटोज क्लिक करवाने हैं, मगर आपके पास ना ही कोई DSLR है, ना ही कोई लाइट्स, ना कोई ट्राइपॉड, कुछ भी नहीं है? तो सिर्फ ये वीडियो आपके लिए ही बना है, तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखना, कुछ भी मिस ना होना चाहिए। आप भी अपने प्रोफेशनल फोटोशूट घर पर ही बैठे बैठे क्लिक कर सकते हो, खुद की फोटो खुद ही क्लिक कर सकते हो। सिर्फ आपको एक एंड्रॉइड फोन चाहिए और कुछ भी नहीं। हाँ, आपने सही सुना, कुछ भी नहीं चाहिए। प्रोफेशनल शूट्स में हमें क्रिएटिव फोटोज क्लिक करनी है। और ये क्रिएटिव फोटोज होती क्या है? क्रिएटिव फोटोज यानी हमारे जो दिमाग में से निकले हुए आइडियाज, घर, घर के अंदर के कमरे, कमरे के अंदर की चीजें, ये सब का जो मिक्सिंग होता है और ये सब की वजह से जो फोटोज निकल कर आती है ना, वही हमें क्रिएटिव फोटोज होती है। बस वही हमें आज इस वीडियो में क्लिक करने में आपको वही बताऊंगा आइडियाज और टिप्स। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, क्रिएटिव फोटोज निकालना बहुत ही इजी है। मैं इस वीडियो में आपको दो सिंपल आइडियाज बताऊंगा। तो गाइज, आपको अपने घर में ऐसा कुछ कबर्ट है या कुछ ऐसी अलमारी है या कुछ रेफ्रिजरेटर है जहां पर आपको अपना ये जो फोन है उसका कैमरा ओपन करना है, और कैमरा में ओपन करके 10 सेकंड का टाइमर सेट करके अपने जो कबर्ट का जो ये टॉप एंगल है ना, वहां पर आपके फोन को रखना है। मैं इसमें से आपको वीडियो स्टार्ट करके बताता हूँ। सो गाइस, आप देख रहे हो कि अभी मैंने टॉप एंगल पर अपना फोन रखा हुआ है। वहां से आपको अपने यहाँ पर फोटोज क्लिक करनी है, यहाँ पर आपको बैठना है। तो आप देख रहे हो एकदम प्रोफेशनल फोटोज लग रहे होंगे, प्रोफेशनल वीडियो आ रहा होगा। तो बस आपको यहीं पर ऐसे बैठना है और टॉप एंगल पर अपना फोन रखना है और 10 सेकंड का टाइमर सेट करना है। फिर आपको जैसा पोज देना है वैसा पोज दे सकते हो, ऐसा पोज देकर आपको अपने फोटोज क्लिक कर सकते हो। सो गाइस, आपने देखा कि टॉप एंगल से ली हुई फोटो कैसी लग रही है यार, क्या बॉम्ब फोटोज निकल कर आई है। तो बस इसी तरह की आपको फोटोज क्लिक करनी है और सोशल मीडिया पे मच्चा डालना है। क्या मच्चा डालना है जानी? हमारे पास सेकंड आइडिया है। हाय सेकंड गाइस, हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड आइडिया की तरफ। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास कबर्ट नहीं है, कोई अलमारी नहीं है या रेफ्रिजरेटर नहीं है जहां पर अपना फोन आप रख सकते हो टॉप एंगल पर, वहां पर फोटोज क्लिक कर सकते हो, वो ऐसी कोई घर में चीज नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई बॉक्स है या इसको डिब्बा कहते हैं, डिब्बा, हाँ, तो ये जो डिब्बा या बॉक्स जो भी है उसको आपको रखना है, यहाँ से दोनों साइड से कट करना है। तो बस इसका क्या करना है मैं बताता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हमें इस बॉक्स को अपने जो घर में डबल बेड या सिंगल बेड है उसके वहां पर जाना है, और एक आपको टेप चाहिए होगी, वो टेप को इस बॉक्स के साथ अपने जो बेड के ऊपर के साइड जो दीवार होती है वहां पर, दीवार पर इसको चिपकाना है। फिर अब मैं बताता हूँ कैसे, चलो। सो गाइस, आप देख रहे होगे मैंने इस बॉक्स को चारों टेप से, चारों तरफ से एक टेप से चिपका दिया है। तो बस इसको यही ऐसे रहने देना है, यहाँ पर अपना फोन रखना है और 10 सेकंड के लिए टाइमर सेट करना है। और जो आपने बेड के ऊपर रखा है तो आप बेड पर सो और एक अच्छा सा पोज के साथ यहाँ पर फोटो क्लिक कर, मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, इसी तरह आपको घर बैठे बैठे अपनी प्रोफेशनल फोटोज क्लिक करनी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है पता है? लाइक करना है। अगर ऐसे ही मैं फोटोग्राफी टिप्स और आइडियाज के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, पता चल जाएगा आपको वीडियो कब आ रही है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय। प्रोफेशनल फोटोशूट यानी क्रिएटिव फोटोज हमें क्लिक करनी होगी। यानी क्रिएटिव फोटोज होती क्या है? क्रिएटिव फोटोज यानी हमारे दिमाग में से निकले हुए आइडियाज, हमारे घर, घर में होते हुए कमरे, कमरे में होती हुई चीज है, ये सब चीजों की मिक्सिंग करके हमें एक क्रिएटिव फोटोज निकल के आती है।